गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास फिजिक्स बाय अंकित सर। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे स्पीड। स्पीड को हम लोग किस तरह से डिफाइन किए थे, हम लोग डिफाइन किए थे कि एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, स्पीड बोल रहे थे। मतलब डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल एक्चुअल पाथ। ठीक है, इसमें कोई फिक्स डायरेक्शन होता है क्या? फिक्स डायरेक्शन इसमें नहीं होता है। ठीक है, बट अगर हम बात करें वेलोसिटी का तो ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन वन सेकेंड। इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब देखो, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक फिक्स पाथ होता है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक फिक्स पाथ। आपको ए से बी जाना है तो बिल्कुल आपको सीधा ही जाना होगा, आपको मुड़ करके जानेंगे तो फिर एक्चुअल पाथ हो जाएगा, है कि नहीं? ये क्या है मेरा एक्चुअल पाथ, ये क्या है मेरा एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ। और ये मेरा क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ। क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट और इमेजिनरी पाथ। वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट और इमेजिनरी पाथ। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या है, फिक्स्ड डायरेक्शन है। डिस्प्लेसमेंट में क्या है, फिक्स्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर हम फिक्स्ड डायरेक्शन में डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं तो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और वेलोसिटी उसी का एक फॉर्म है। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन वन सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन वन सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, तो उसको डिफाइन करते हैं, द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब कितना सेकेंड, वन सेकेंड। वेरी गुड, वन सेकेंड। द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन वन सेकेंड यानी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। और कैसे करेंगे, द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन वन सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एस से, और टाइम को टी से। टी से। अब देखिए, दोनों स्पीड और वेलोसिटी दोनों का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दोनों का यहाँ पर वेलोसिटी होगा। ठीक है, यानी कि ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड या वेलोसिटी दोनों का ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर हम अदर यूनिट की बात करें, अदर यूनिट, तो अदर यूनिट क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहां तक जल्दी से पहले नोट कर लीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वेरी गुड, नाउ वी गोइंग टू सॉल्व वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेलोसिटी। देखिए, सपोज एक कार है, ठीक, एक कार है जो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, सीधा ट्रेवल कर रही है कार। ठीक है, यानी कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट था स्ट्रेट पाथ में वो था 500 मीटर। ठीक है, और उसको टाइम लगा 2 मिनट 5 सेकेंड। Then we can find velocity of the body. क्या हम लोग velocity of the body find कर सकते हैं? जल्दी से इसको बनाइए। देख, तो question solve करने के लिए सबसे पहले आपको क्या जरूरत है लिखने का, आप इसी तरीके से एग्जाम में कॉपी में प्रैक्टिस करिएगा। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवेन डेटा। क्या लिखते हैं, Given data. क्या क्या दिया हुआ है, तो फिगर से हमको पता चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है ना, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है, 500 मीटर। ठीक, अब देखिए टाइम भी दिया हुआ है क्या, तो टाइम दिया हुआ है कितना मिनट, 2 मिनट 5 सेकंड। ठीक है, अब देखिए मिनट जो है कोई यूनिट तो नहीं है डिस्टेंस का। ठीक है, या तो मीटर पर सेकंड में होगा या किलोमीटर पर आवर में होगा, है ना, स्पीड या वेलोसिटी का। तो हम कोशिश करेंगे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, अगर वहां पर किलोमीटर है आवर में रहेगा तो फिर इसको यूज करेंगे। ठीक है, छोटा यूनिट को ज्यादा यूज करेंगे और बड़ा यूनिट को भी यूज करेंगे जब क्वेश्चन में कंडीशन इस तरह का बना हुआ रहेगा। ठीक है,
दो मिनट यानी कितना सेकंड होगा, 120 सेकंड प्लस 5 सेकंड, टोटल कितना हो जाएगा 125 सेकंड। हमें निकालना है वेलोसिटी, ठीक है, तो वेलोसिटी हमको निकालना है। अब लिखेंगे वी नो दैट क्या हम लोग जानते हैं वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है 500 मीटर, टाइम कितना है 125 सेकंड, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा कितना से 4 से, आंसर क्या हो जाएगा 4, आंसर क्या हो जाएगा 4। यही सब बच्चों का आया था आंसर, यस सर, ठीक है। लेकिन जिस बच्चे का आंसर सिर्फ 4 आया है उस बच्चे का आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? गलत, क्योंकि फिजिक्स इन्वॉल्व्स यूनिट एंड मैग्नीट्यूड। फिजिक्स में आपको क्या बताना है, मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड बोथ। मैथ में सिर्फ 4, 5, 6 जो भी आंसर आएगा सही है, लेकिन फिजिक्स में आपको हर एक आंसर के साथ उसका यूनिट भी क्या करना होगा, रिप्रेजेंट करना होगा। तो यहाँ पर यूनिट क्या होगा, 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द राइट आंसर। आया समझ में? ठीक है, तो इस मेथड को जल्दी से रिप्रेजेंट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और इसी से आपको बुक में से 200 पेज नंबर 207 से पेज नंबर 207 125 सैंपल प्रॉब्लम 125 इस तरह से ही बनाना है। बुक से क्वेश्चन नोट करिएगा और इस तरह से इसको बनाइएगा, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक बस जो है, यस सर, एक बस जो है वो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करती है 3 किलोमीटर और टाइम लगता है उसको 6 मिनट, ठीक है, तो आपको वेलोसिटी निकालना है। जल्दी से फाइंड करके बताइए, यस सर, मीटर पर सेकंड में भी बता सकते हैं और किलोमीटर पर आवर में भी बता सकते हैं, ठीक है, कोशिश करिए पहले मीटर पर सेकंड में बताने का। जल्दी से इसको सॉल्व करिए, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन डाटा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 3 किलोमीटर, अगर हम इसको मीटर पर सेकंड सॉरी मीटर में सॉल्व कर रहे हैं तो इसको लिखेंगे 3000 मीटर, ठीक है, मीटर, टाइम कितना है 6 मिनट, तो 6 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 360 सेकंड। हमें निकालना है वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो 3000 अपॉन 360, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा 500 से और ये कैंसिल हो जाएगा 60 से, होगा ना? यस सर। चलिए ये कैंसिल हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 50 अपॉन 6, इसको लिख सकते हैं 25 अपॉन 3, है ना? अभी आ जाएगा 8.33 मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगा 8.33 मीटर पर सेकंड। चलिए अगर हम बात करें कि हमको किलोमीटर पर आवर में निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकलेगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 3 किलोमीटर, ये तो किलोमीटर में है ही, टाइम कितना है 6 मिनट, इसको क्या करेंगे आवर में चेंज कर देंगे, आवर में चेंज करने के लिए 60 से क्या करेंगे डिवाइड, ये हो जाएगा 1/10 आवर, कितना हो जाएगा 1/10 आवर। वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम डिस्प्लेसमेंट कितना है 3 किलोमीटर, टाइम कितना है 1/10, 3 किलोमीटर और 1/10 आवर, ये 10 चला जाएगा ऊपर तो कितना लगा 30 किलोमीटर पर आवर। आया समझ में? यस सर। ठीक है, वेलोसिटी कितना है 30 किलोमीटर पर आवर। पर आवर। अब आपको एक ट्रिक बताते हैं, अगर आपको मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है कोई वैल्यू और आपको डायरेक्ट किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई करना है तो आप एक फैक्टर अप्लाई करके यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ 25/3 मीटर पर सेकंड,
अब इसको हमको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो पता है कैसे चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट? नो सर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 बाय 5 से। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 18 बाय 5। तो ये 5 से कैंसिल हो गया, 25 5 से कैंसिल हो गया, और ये 6 से कैंसिल हो गया। 5 × 6 कितना हो जाएगा? 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बराबर। अब आप लोगों को लग रहा है कि 18 बाय 5 कहां से आया, ठीक है, तो इसका एक रूल है कि 18 बाय 5 कब होगा और 5 बाय 18 कब होगा। तो याद रखिएगा, अभी इसको नेक्स्ट क्लास में हम प्रूफ करेंगे। अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, याद रखिएगा, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में, यानी छोटा यूनिट से आपको बड़ा यूनिट में जाना है, तो आपको 18 बाय 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। बट अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, यानी बड़ा से किसमें जाना है? छोटा में। तो आपको छोटा फैक्टर 5 बाय 18 और 5 बाय 18 में, ये 5 बाय 18 छोटा होगा, 18 बाय 5 बड़ा होगा ना, 18 ऊपर है तो ये बड़ा है, 5 ऊपर है तो ये छोटा। छोटा वाला कब यूज करेंगे? जब हमको छोटा करना होगा यूनिट को। बड़ा वाला कब यूज करेंगे? जब हम लोग को यूनिट को बड़ा करना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। नोट कर लीजिए यहाँ तक।